वेलकम बैक गाइस, ये दूसरा ट्यूटोरियल है एंड्रॉयड डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स का, जिसमें मैं बात करूंगा कि हम किस तरह एक एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एंड्रॉयड ऐप जो है वो व्यूज पर कंसिस्टेंट या मुश्तमिल होती है। तो एक व्यू के अंदर 10 व्यू होते हैं, यानी कि जिस व्यू के अंदर वो 10 व्यू मौजूद हैं वो हमारा पैरेंट व्यू है, और उस पेरेंट व्यू के अंदर काफ़ी सारे चिल्ड्रन व्यू हैं जो कि इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू या बटन वगैरह हो सकते हैं। तो उनको बनाने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे, जो कि बहुत इजी है। और हम यहां से डेवलपर वी कैन जस्ट राइट, हम लिख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, एंड आप इसके स्टेप फॉलो करें। इवन आप विंडो पे हैं या मैक पे हैं तो काफ़ी आसान है इसे डाउनलोड करना, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। जब आप इसे रन करेंगे तो आप जाएंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, एम्प्टी एक्टिविटी आप चूज करेंगे और आप जो दिल चाहे नाम दे लें इसे। मैं इसे देता हूँ फर्स्ट ऐप, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होंगी। अगर नहीं है तो आप ये वाली वीडियो पॉज करके ये वाली सेटिंग्स वहाँ डाल सकते हैं, और आप पैकेज के बारे में परवाह ना करें, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। हम फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है तो हम वेट करेंगे और देखते हैं कि हम किस तरह एक व्यू के साथ काफ़ी सारे व्यूज उसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो आप रेस फोल्डर में जाएंगे, जहां पर आप लेआउट पर क्लिक करेंगे और ये है आपकी एक्टिविटी मेन। अब यहां पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये है पैरेंट व्यू, यानी कि जो रूट व्यू है जिसके अंदर बहुत सारे व्यूज होंगे। तो हम इसे जस्ट सिंपल से स्टार्ट करते हैं, लीनियर लेआउट से स्टार्ट करते हैं, और हम यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं जिसका हम साइज दे देते हैं 50 SP। और यहाँ पर मैं एक इमेज व्यू ले लेता हूँ जो कि चाइल्ड व्यू है लीनियर लेआउट का, जो कि पैरेंट व्यू है हमारा। और यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट में जो इसकी ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल कर देता हूँ, क्योंकि हमें लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन चूज करनी पड़ती है। और जो सोर्स होगा इस इमेज व्यू का वो होगा ड्रॉएबल माई इमेज, और मैं इसको एक बटन व्यू भी ले लेता हूँ। बटन व्यू को भी रैप कंटेंट इसकी विथ एंड हाइट करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है, और इसका टेक्स्ट कर देता हूँ प्रेस मी। ओके, अभी इस व्यू को डिस्प्ले करने के लिए मैं ड्रॉएबल में जाऊँगा और शो इन एक्सप्लोरर पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर आप अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं। मैंने एक इमेज पहले ही कॉपी कर रखी थी तो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली, और अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो वहाँ पर मेरी इमेज डिस्प्ले हो रही है, और बटन जो है वो नीचे चला गया, तो बटन को मैं ऊपर ले आता हूँ। तो अब देखें आप कि मैं इसको बैकग्राउंड भी दे सकता हूँ। अगर मैं ब्लैक बैकग्राउंड देता हूँ तो यहाँ पर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। अब इस ऐप को मैं रन करता हूँ, और जैसे ही ये रन हो जाती है तो यानी कि हमारी एक एंड्रॉयड ऐप बन गई है, जिसमें हमारे पास एक पेरेंट व्यू है और जिसमें चिल्ड्रन व्यूज हैं, इमेज भी है, बटन भी है और टेक्स्ट भी है। लेकिन अब हमें ये सीखना है कि ये क्या है, रैप कंटेंट का मतलब क्या है, मैच पेरेंट का मतलब क्या है, ये एट्रीब्यूट्स, ये प्रॉपर्टीज कहाँ से आ रही हैं। तो मैच पेरेंट का मतलब ये होता है, यानी कि चूंकि ये जो व्यू है, जो लीनियर लेआउट जो हमने दिया है, ये पेरेंट व्यू है जिसमें सारे ही हमारे चिल्ड्रन व्यू मौजूद हैं। तो हम उस व्यू को, जो लीनियर लेआउट जो हमारा पेरेंट व्यू है, जो रूट व्यू है, हम चाहते हैं कि वो पूरी स्क्रीन की जगह ले, यानी कि मैच पेरेंट ले, उसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है और लंबाई है, वो पूरी स्क्रीन का हिस्सा बने ताकि हमारे सारे व्यूज उसके अंदर फिट आ सकें। लेकिन हमने टेक्स्ट व्यू को फिर रैप कंटेंट क्यों लिया, हमने इसको रैप कंटेंट इसलिए लिया कि जितना लंबा टेक्स्ट होगा
उतना लंबा व्यू जगह लेगा, जितना छोटा टेक्स्ट होगा उतनी छोटी व्यू लेगा जगह। तो अगर मैं इसे खाली हेलो कर दूं तो अब देखें वो छोटा हो गया यहां पर। अगर मैं इसे बड़ा कर दूं तो वो बड़ा हो गया वहां पर। इसी तरह हम अपने व्यूज के साइजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है। अब आखिरी बात ये कि ये प्रॉपर्टीज कहां से आ रही हैं। जैसे कि हर सॉफ्टवेयर का एक गाइडलाइन होता है, एंड्रॉइड का भी है यानी कि जावा का भी है, डेवलपर डॉक्स यानी कि डेवलपर्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन, ये है developer.android.com। सो अगर मैं टेक्स्ट व्यू सर्च करूं, अगर मैं इसी तरह टेक्स्ट व्यू सर्च करूं तो मुझे यहां पर गूगल पे फर्स्ट पेज ही ये शो करेगा, जहां पर मैं देख सकता हूं कि ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे यहां पर मिल सकती हैं। कि एक व्यू जैसे कि टेक्स्ट व्यू जो है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ग्रेविटी है तो वो आपको बताएगा कि भाई ये एक्स या वाई एक्सिस पे कहाँ होना चाहिए। हाइट कंट्रोल कर सकते हो आप इसकी। अगर आप बटन को सर्च करोगे तो बटन की प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। अगर आप इमेज शो इमेज करोगे तो यानी कि इमेज की प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। बाकी हम अपने एमुलेटर पे देख लेते हैं, हमारी ऐप रन हो चुकी है, बटन अभी हमारा कुछ नहीं कर रहा, वो लॉजिक हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पर ये यह हमारी मेन एक्टिविटी है जहाँ पर ये कोड का लॉजिक यानी कि जावा कोड होता है। फिलहाल हमने सिर्फ डिज़ाइन को देखा है कि डिज़ाइन हमारा इस तरह होता है कि एक व्यू है उसके अंदर काफ़ी सारे व्यूज़ हैं और उन व्यूज़ के बारे में हम सीख सकते हैं developer.android। वहाँ से हम जो भी अपना व्यूज़ लें और जो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डालनी है वो हम डाल सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम कुछ ऐसा सीखते हैं कि हम किसी बटन पे क्लिक कैसे करें और कुछ हो। ओके? तो नेक्स्ट हम वो सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।